हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आया हूँ नई जानकारियाँ लेकर। दोस्तों, कल मैंने आपसे बात की थी और बताया था कि मैं कल RIE में बात करूँगा, आज बात करूँगा। आज मैंने बात की, सब RIE में मैंने फ़ोन लगाया और जहाँ जहाँ बात हुई वहाँ वहाँ की खबर मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं शुरू करूँ तो एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, नहीं तो बाद में आपके कमेंट्स आएंगे, सर ये क्या होगा, ये क्या होगा, क्या करें क्या करें, वहाँ से क्या बात हुई, तो फिर मैं कैसे जवाब दे पाऊँगा। मतलब यही किसी में जवाब है, पहले आप सुन लीजिए, अगर नहीं हो तो आप कोई कमेंट करके पूछिए। अब पहले आपको अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, वीडियो में ही जवाब है और फिर आप मेरे से कमेंट करेंगे तो मैं उनका जवाब कैसे दूंगा, नहीं देना चाहिए ना। फिर तो आप पहले इतना ज़रूर है कि आप पूरा वीडियो देखिए, है ना, और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अगर आपको चाहते हैं ऐसा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहले देखते हैं नीरी से, नीरी में क्या बात हुई है वो मैं बता देता हूँ। नीरी से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन ये जो उन्होंने साफ साफ दे रखा है कि बीएड, वैसे तो उनका तो 2 ईयर का ही है बीएड का, वैसे भी प्रोग्राम उनकी उनसे आप अपने को कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, मेघालय, मिजोरम वगैरह सारे 7 सिस्टर्स, तो उन अंडमान, तो उनका अंडमान निकोबार भी उसमें आ जाता है। तो वो सारे स्टेट है बीएससी बीएड या बीए बीएड 4 ईयर प्रोग्राम है वो तो सारा भुवनेश्वर में होता है, 2 ईयर बीएड प्रोग्राम है वो होगा उनका वहाँ। तो उन्होंने ये निकाल रखा है, नोटिस निकाल रखा है कि बीएड डेट एक्सटेंशन हो गई है, यानी 2 ईयर बीएड जो NERIE है उसमें, सॉरी मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो आपको 2 ईयर बी एड की उम्मीद डेट, द लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द मार्क्स अकॉर्डिंग द क्वालिफाइंग एग्जाम्स डिग्री विल बी 27th of November, यानी 27th November को ये लास्ट डेट। तो आपको ये भरने ये ही न्यूज़ पहले दिया। चलिए अगली RIE में चलते हैं, वो आपको बता देता हूँ वहाँ किसान। तो दोस्तों, आर आई मैसूर में जो बात हुई है वो बताता हूँ आज मैं। ये पहले तो ये देख लीजिए, RIE मैसूर में ये 11 तारीख को सेलेक्ट लिस्ट आ गई थी MSc बीएड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की 4th लिस्ट, ठीक है। तो 4th लिस्ट में जो खास बात है मैं वो बता देता हूँ आपको, 4th लिस्ट में क्या खास बात है। 4th लिस्ट में खास बात ये है कि MSc बीएड फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स उनका आज लास्ट डेट है 5 PM तक, 13th October, आज 13 तारीख ही है, 13 नवम्बर है 2020, 11 तारीख को 11th of November को लिस्ट निकली है, आज आपकी लास्ट डेट है, आपको लास्ट डेट फॉर एडमिशन इज 5 PM, यानी आपके पास 5 घंटे मात्र है, आप एडमिशन ले लीजिए, ठीक है ना। अगर आप चूक गए तो ये सीट अगले कैंडिडेट को चली जाएगी, यानी 5वीं लिस्ट भी आ सकती है, नहीं चूके तो ये लिस्ट यहीं पर खत्म हो जाएगी और उनकी दिवाली बन जाएगी। आपने छोड़ दी, आपने सीट छोड़ दी तो अगले कैंडिडेट की दिवाली बन जाएगी, नहीं तो आपकी दीपावली मननी ही मननी है। अब मैं बता देता हूँ, यहाँ मैंने बात की है 2 ईयर बी एड के बारे में, आज फोन पर बात की कि सर ये कब आएगा सर, तो उन्होंने कहा कि 15 से 20 दिन लगेंगे। तो मैंने आपको कल भी उम्मीद बताई थी कि एक सर ने तो ये भी कहा कि 1 दिसंबर को आने की संभावना, 1 तो 31 को भी आ सकता है, क्योंकि मैसूर वालों ने जो पहला रिजल्ट भी इन्होंने दिया था बहुत जल्दी दिया था, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये तो पक्का पता है कि नवंबर लास्ट वीक 27 तारीख, जैसे नीरी की तो मैंने बताया दिया है, नीरी मतलब NERIE को नीरी बोल रहे हैं, जैसे नीरी अनुसंधान संस्थान अलग है, तो उन्होंने बता दिया है। तो ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि जैसे NERIE ने बताया 27 नवंबर तक मार्क्स अपलोड होंगे, तो यहाँ भी लगभग 25, वैसे सब अपना अलग अलग सिस्टम कर सकते हैं, तो ये फिर जब मार्क्स अपलोड होंगे तो मार्क्स अपलोड होंगे तो भोपाल से आएंगे, ध्यान रखना है, मार्क्स अपलोड होंगे उसके बाद भोपाल वाले इनके पास लिस्ट भेजेंगे, तब जाके फिर ये आपको बुला पाएंगे। तो आप ये मान लीजिए अगर आएगा तो नवंबर के लास्ट वीक में एंड में, यानी 30 नवंबर या 29th of November, नहीं तो फिर 1-2 दिसंबर को जाएगा, यानी फर्स्ट वीक मान लो आपके समय, ठीक है दोस्तों, ये बात उन्होंने बताई। अब चलते हैं अगली RIE में चलते हैं, हमारी खबर बता दिएगा आप अगर मैसूर RIE में MSc BEd में इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप आज एडमिशन ले लीजिए।
ये RIBBSE यानी भुवनेश्वर से कोई खबर नहीं, हालांकि खुल रहेगा लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने खोला था तो यहाँ पे आपको कोई खबर नहीं मिलेगी, मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ ये भोपाल की है जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, आपको ये सर्टिफिकेट यही बता रहा है कि आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, ये बता रहा है वो, कुछ कोई नई खबर नहीं मिला। और फिर बात हुई यहाँ से, आपको टू ईयर पीरियड का कोई जरूरत है ही नहीं, हो चुका है एमएड का। अब ये अजमेर से बात की तो एमएड और बीएड दोनों की बात, अजमेर वाले कह रहे हैं कि सर अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। अब आज अगर मैंने कहा आज निकलेगी कि नहीं, आज नहीं निकलती तो फिर कोई नहीं, कोई पोर्टफोलियो लिस्ट जैसे बीएससी बीएड 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 फोर ईयर प्रोग्राम है उसकी भी आज अगर निकल सकती है तो, उन्होंने तो वैसे उम्मीद नहीं बताई है लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कोई सभी को सब कुछ पता नहीं होगा, हो सकता है निकल जाए, नहीं तो बाकी कुछ तैयारी के बाद में कोई लिस्ट अगर कोई बची होगी तो एलएनसीट मिल जाए। और आरआई अजमेर से आशा नायक का कमेंट आया था मेरे पास कि सर मेरा भी एडमिशन हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ आशा जी आपका एडमिशन हुआ है, बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो, मेरे को बहुत मजा आया कि आपका एडमिशन हुआ है। और आरआई अजमेर की वेबसाइट दोस्तों बार बार खुलती नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, तो मैं देखो अभी नहीं खुल रही, तो आरआई की ये वेबसाइट नहीं खुलेगी तो इसको आप लिख लीजिए, ये दूसरी जब आप लिंक से खोलेंगे तो ये RIEAJMER.RAJ.NIC.IN यहाँ खोलेंगे तो ये खुल सकते हैं, तो यहाँ रखिएगा, ये जो बार बार नहीं खुलती है तो आप होम पे जाएंगे तो यहाँ खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अपडेट थी अजमेर से भी अपडेट है, तो अब अजमेर में भी टाइम लगेगा, फिर मैंने कहा कि टू ईयर बीएड का करवाएगा तो उन्होंने बताया मेरे सोर्स से कि पता लगेगा, तो पता लगा कि यहाँ तो अभी भोपाल में जब वो लास्ट डेट देंगे, अजमेर वाले कहेंगे हाँ भेज दो, अब बीएड का बस इतना ही समय नहीं है, एमएड का इतना ही समय देंगे, जैसे भोपाल वालों ने 22 को ही क्लोज कर दिया था कि मार्क्स अपलोड की डेट 22 को डाल दी थी तो फिर उनको समाप्त करना पड़ा था। ऐसे ही जब अजमेर वाले कहते हैं कि आपको एडमिशन करना है तो भोपाल वाले उस दिन क्लोज करके उनको लिस्ट भेज दें, लिस्ट आएगी उसके आधार पर फिर एडमिशन। और मैंने पिछले वीडियो में आपने जो सीट मैट्रिक्स डाली है उसको आप गौर से देख लीजिएगा, वो मैंने थोड़ी जल्दबाजी में डाल दी, सीट मैट्रिक्स में अगली बार फिर से डालूंगा तो नए बच्चे के लिए, लेकिन अभी भी जो पुराने बच्चे हैं वो तो देख चुके हैं। अगर आप नए अगली बार एग्जाम देना चाहते हैं या इस बार आप देखो फेर तो नहीं था तो आज मेरी जोगेश्वर सर से बात हुई, उनसे कह रहा था मैं वो ये RIE में पढ़े हुए हैं, उनसे मैं कह रहा था भाई ये अब की बार तैयारी खूब करे बच्चों को, लेकिन ये फेर नहीं था, क्योंकि बस जो बच्चों ने पहले जो 12वीं में जो मार्क्स ला रखे थे या जो ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं उनके आधार पर हो गया, बाकी जो टीचर बनता है उसकी एबिलिटी तभी पता चलती है, CEE एग्जाम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है तभी पता चलता है कि टीचर बनने योग्य है या नहीं है, लेकिन वो हुआ नहीं तो इसलिए क्या वो बातें अधूरी सी रहती, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगला जब एग्जाम होगा उसकी तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल पे बने रहें, और भी तैयारी करा रहे हैं सर करा रहे हैं तो वो भी करा रहे हैं, अंकित सर करा रहे हैं तो आप उनके साथ भी जुड़े, देखो ये है वो नए बच्चे हैं RIE से निकले हैं उनको जानते नहीं, मैं तो एक टीचर होने के नाते मेरा दायित्व निभा रहा हूँ, मेरे से जैसा होगा ठीक है, और समय भी नहीं दे पाता जॉब की वजह से, और वो फुल टाइम ही काम करें तो ज़्यादा समय दे पाएंगे आपको, तो कोई इसमें आप झिझक मत करो कि मैं उसके पास नहीं जाएंगे इसके पास जाएंगे, जहाँ ज्ञान जहाँ से प्राप्त होता हो वहाँ से प्राप्त कर लीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। इस बार आपका एडमिशन हो जाता तो वेल, नहीं होता तो कोई बात नहीं, हुआ अच्छा, हरिवंश राय बच्चन कहते थे जो होता है अच्छा और नहीं हो तो और भी अच्छा, हो सकता है और अच्छे के लिए हो रहा हो, तो अगले अगर आपके पास चांस है तो अगली बार एग्जाम दीजिए, और कहीं एडमिशन हो जाए तो कोई बात नहीं आप वहाँ एडमिशन, और टीचर बनने का ही है RIE से बनने का है तो आप फिर तैयारी कीजिए, प्रारंभ है प्रारंभ में एडमिशन हो गया उनके भी बहुत बहुत बताया, मेरे को तो प्रारंभ भी अच्छा लगा RIE और प्रारंभ भी ए ग्रेड है वो भी, जैसे भोपाल की ए प्लस है और ये भोपाल RIE ए प्लस है, अजमेर RIE ए प्लस है, ऐसे वो भी ए है, ए ग्रेड की है वो भी, नाक के द्वारा जो ग्रेड दी गई है उसके प्रारंभ को भी ए दी गई, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो ठीक है, आशा है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी,
जहाँ और भुवनेश्वर से देखो बात नहीं हो रही है दोस्त, इसीलिए मैंने जोगी सर से बात की तो भुवनेश्वर वाले फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, तो सर ने बताया था कि वो कोविड से मौत होने के बाद वो सर बहुत अच्छे बता रहे थे कि नहीं हो पा रही बात। और अंकित करे अगर मेरी बात सुन रहे हो सर, तो मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो बनाओ सर, आपसे मैंने फ़ोन पर बात करने की कोशिश की लेकिन वीडियो नहीं आ रहे, आपके बच्चों को जानकारी दीजिए, आपको जितनी जानकारी ध्यान है बांटे, ठीक है दोस्तों। अगले दिन फिर मिलता हूँ, हाँ लेकिन मिलता हूँ उससे पहले एक बात वो बता देता हूँ, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, आपने हिंदी को लैंग्वेज से लिया है, तो मेरे काव्य गुण, काव्य दोष, वाच्य वाक्य भेद, अलंकार रस, बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, आप उनको देखो, सर पढ़ते ही आप उन वीडियो को देखिए, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, हिंदी की प्ले लिस्ट में जाइए, हिस्ट्री की प्ले लिस्ट में जाइए, हिस्ट्री के वीडियो पढ़े हैं, रीजनिंग के वीडियो हैं जो RIE के लिए हैं, ACF के लिए हैं, इसके लिए वीडियो रखता हूँ, मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई, इसके इंग्लिश के लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के वीडियो पढ़े, यानी RIE से संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड रीजनिंग, तो मोर देन 100 वीडियोज आर देयर, इतने वीडियो वहाँ पे हैं, तो आप तैयारी कीजिए ना, फिर हम आते ही हैं आपको तैयारी कराने के लिए, थोड़ी थोड़ा सा ये प्रोसेस पूरा हो जाता है फिर तैयारी करवाते हैं, और कहीं से आपको मदद मिल रही है जोगेश्वर सर से, अंकित सर से, तो आप मदद लीजिए, उनसे मदद मिल रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, कोशिश करता हूँ शाम को कुछ अपडेट होती है तो मैं आपको अपडेट देता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।